बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है जब भी वो अपना ऑप्शनल पेपर या हम कहें सब्जेक्टिव पेपर को लिखते हैं तो वर्ड्स लिमिट में अक्सर हो जाते हैं वो कंफ्यूज। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया कि आपने इसको लिखना है 120 वर्ड्स में तो या लिखना है 200, 250 वर्ड्स में। कंफ्यूजन हो जाता है कि हम वर्ड्स को जब लिख रहे हैं तो क्या हम उनको काउंट करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका एक रफली आइडिया आपको लेना होता है, वही मैं आपको बताऊंगी। चाहे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए या क्लास टेस्ट से लेके आप चाहे प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम को, तो देखिए कैसे इस कंफ्यूजन को हम छू मंतर करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, और इसमें मैंने क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप काउंट कीजिए वर्ड्स को, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन एन एवरेज एक लाइन में 6 वर्ड्स हैं। उसके बाद आप काउंट कीजिए लाइंस कितनी है, लाइंस हैं 10। तो इट मींस एक कंक्लूजन निकला यहाँ पर कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये है 60 वर्ड्स का, तो इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। उसी तरह से अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि आप इस क्वेश्चन को लिखिए 200 या 250 वर्ड्स में, अक्सर जो ये क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग टाइप में ही होते हैं और आपने वर्ड्स इसी टाइप से काउंट कर लेने हैं, एक आइडिया ले लेना है और कोशिश ये करनी है कि आप फ्लो चार्ट बना के करें और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करें। एक्चुअली अगर हम बात करें कि वर्ड लिमिट्स की इसकी जरूरत क्यों होती है, अगर मानिए एक टेलर के पास हम जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि एक कुर्ता पजामा बना दो, तो डेफिनेटली जो टेलर है वो क्वेश्चन पूछेगा कि मेजरमेंट बताइए, नाप बताइए। तो वही चीज यहाँ पर होती है, मेजरमेंट बताने से वो पर्टिकुलर पर्सन का जो भी ड्रेस है वो तैयार हो पाएगा। तो इस कंफ्यूजन को यहां से हम इजीली दूर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और रिव्यू करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।